मैं थोड़ी बहुत रामायण देख ली, थोड़ी बहुत महाभारत देख ली, आज महाभारत पाल चलिए। श्री कृष्ण जी महाभारत में सिर्फ दो चीज कह गए, कह बहुत कहे लेकिन दो चीज याद रहती है कि जब भी छलांग लंबी मारनी है तो दो कदम पीछे हटने में कभी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। मलिक जी अभी कुछ बात कह गए आपसे, कुछ लोगों को बुरी लगी, लेकिन कभी भी इस चीज का विचार कर लीजिए कि हम जब संघर्ष करेंगे तो हमें संघर्ष में क्या कैसे किस तरह प्राप्त करना है। हमेशा सड़क रोकने से, हमेशा आंदोलन को उग्र करने से कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा डायलॉग बहुत जरूरी है। और आज जो हमारे संघर्ष में सिर्फ एक चीज की कमी आ रही है, वो आ रही है डायलॉग की। और डायलॉग किन से होना है, जिन लोगों से डायलॉग होना, अभी वो लोग हमारे साथ प्रॉपर तरीके से आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं हो पाई है। मेरा इसमें अध्यक्ष जी से अनुरोध रहेगा कि आप एजे से मिले होंगे, उन्होंने अपनी बात रखी होगी, चीफ से आप मिले या नहीं मिले मेरी जानकारी में भी नहीं है, एजे ने क्या कहा आप बताएंगे क्या कहा क्या नहीं कहा है। इसके अंदर एजे वही कहेगा जो चीफ का डायरेक्शन होंगी, चीफ सीधा बात नहीं करेगा आपसे, चीफ वो कहेगा जो एजे उन्हें गाइड करेगा, या एजे उनसे हमें वो कहेगा जो एजे चीफ हमसे कहेगा। तो ये आप मान के चलिए कि एजे हमारा बीच की कड़ी है, हमें उसे बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है, उसकी बातों पर ध्यान देना, और हमें ये भी दिमाग में लगा के चलना है कि कल को चीफ ने हमसे क्या कह करके एजे को हमारे पास भेजा है। तो विचार कीजिए, विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जो बात कुछ होती जा रही है उनमें कभी आंदोलन के ऊपर मत कीजिए कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। मलिक साहब हमसे बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, ऐसा नहीं बात कौन सी भी लग चुके हैं कई बार, मुझे पता है, लेकिन चीजों को सोचिए, गंभीरता से सोचिए। अध्यक्ष साहब मेरा अनुरोध यह होगा, विशेष रूप से होगा, कि यदि आपको दो दिन स्थगित करके काम करके अगर ये आपको आश्वासन मिलता है कि चीफ आपसे बात करता है, आपकी बात मानता, तो हमें उसके ऊपर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा अधिकार है, हम आज कर रहे हैं कल बंद कर देंगे, हमें कौन रोक लेगा। ये हमारा काम है कि हमें काम करना है नहीं करना है, हमें यही तो कहना है हम काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि उससे काम हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात जो मेरी जानकारी में आई है, किसी ने जो है चीफ से बात हुई थी कहीं से, अनऑफिशियली है, ऑफिशियली नहीं है ये बात, उनका ये कहना है कि एक जेएम ने तो कोई गलती नहीं की, एक अधिकारी की गलती है, उसे सजा क्या दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, क्या पनिशमेंट होगा, किस तरह से होगा, ये बैठ करके तय होगा। लेकिन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो बिल्कुल नया है, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपने उसका भी काम बंद कर रखा है। जवाब देना मुश्किल पड़ता है जब आमने सामने बैठते हैं। यहाँ तो हम वो बात कहेंगे जो हमारे भाई चाहेंगे, जो हमारा युवा चाहेगा। आज वो कहता है काम बंद कर दो, अनिश्चितकाल के लिए हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें वो काम करना है जो हमारा हाउस कहेगा। हाउस आज यहाँ बैठा, हाउस कहेगा बंद कर दो अनिश्चितकाल के लिए, हम काम बंद कर देंगे, हम कह देंगे हाउस की मर्जी, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, उस चीज को सोचिए जिसे हमें गंभीरता से सोचना है, आगे चल के हमें किस तरह से अपना काम करना है। हमें उन भाइयों का भी ध्यान रखना है जिन्हें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसा हो सकता है ज्यादा लोग सक्षम हो, लेकिन ऐसे भाई भी हमारे बीच में हैं जिन्हें जो सक्षम नहीं है, उनके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देके चलना है। 29 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं, और आगे तक हमने कहा जब तक गाजियाबाद चलेगा तब तक हड़ताल पर रहेंगे, ये बात हमने प्रस्ताव पास कर चुके हैं। और ये प्रस्ताव खाली रविंद्र सिंह की बात नहीं, मेरठ बार एसोसिएशन और जिला परिषद संयुक्त बैठ करके ये प्रस्ताव पास किया हुआ है कि जब तक गाजियाबाद हड़ताल करेगा उससे एक दिन फालतू रखेंगे, ये बात आपको तय मानूंगा। लेकिन सोचिए, गंभीरता है, विषय को बहुत गंभीर रूप से लेना चाहिए। तो एक ही यूनिट की दो झगड़ों का लड़ाई है, ये आज हमारा झगड़ा किसी पुलिस से या थाने से इससे नहीं है, आज एक ही यूनिट के दो भाइयों का झगड़ा है। दो भाइयों का झगड़ा किस तरह से निपटाना है उसको सोचना चाहिए। मैं इसमें कहूंगा अध्यक्ष सर कि अपने सीनियर कमेटी बनाए, सीनियर लोगों को इकट्ठा करें, कुछ और लोगों को बाहर से इकट्ठा करें जो और बाहर के पदाधिकारी हैं, इसमें आपका प्रयागराज भी हो सकता है, प्रयागराज को अपने कॉन्फिडेंस से लेकर काम करें। तो ऐसा है कि जहां से हमें इजीली अप्रोच हो सकती है, तो उस चीज को आप लोग काम करेंगे। गोरखपुर वाले कह चुके हैं मुख्यमंत्री इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये जब चाहेंगे तब मुख्यमंत्री साहब को टाइम मिल सकता है, लेकिन गंभीरता सोचिए, इसी बात को मेरा कहना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।